पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चूड़ामणिकृतविधुर्बलैकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलातण्डवपण्डितः नूतनाजलधररुचये गोपवधूटे दुकूलचोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय नारायण। अभाव का प्रकरण है। अभाव को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं, भाव से अतिरिक्त अभाव है, या भाव भिन्नतम अभावत्तम नहीं। और जो है मीमांसक लोग जो है अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं, अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं। तो ये प्रभाकर प्रभाकर मिश्र जो है अभाव अतिरिक्त पदार्थ है अधिकरण से, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, इस अभिप्राय से वो लोग कहते हैं। कौन ये प्रभाकर, ये कौन सा मत है? मीमांसा का ही है, मीमांसा के एक है प्रभाकर मिश्र, एक कुमाइल भट्ट, एक प्रभाकर मिश्र है, दोनों के मत में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ऐसा है, फिर उसको प्रभाकर मत कहते हैं, उसको गुरु मत भी कहते हैं। मैम हाँ हाँ मीमांसा में ही भेद है, मीमांसा में भेद है, दो मुख्य है, एक तो कुमाइल भट्ट का है और एक प्रभाकर है। कुमाइल भट्ट को कहते हैं भट्ट मत, उनका मत को, और प्रभाकर मिश्र भी उनका ही शिष्य है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मत दोनों में अंतर होता है ना। तो प्रभाकर मिश्र के मत को कहते हैं गुरु मत कहा जाता है, गुरु मत, बड़े विद्वान थे वो, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। लेकिन वेदांत में प्राय करके कुमाइल भट्ट का मत को माना जाता है, वेदांत में जो है व्यवहार के लिए प्रक्रिया में, हाँ व्यवहार के लिए तो कुमाइल भट्ट को ज़्यादा मानते हैं, व्यवहार है भट्ट न्याय इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो प्रभाकर मिश्र जो है अभाव को अधिकरण स्वरूप मानता है, ठीक है ना। अधिकरण से अतिरिक्त अभाव हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है, और लाघव भी हो जाएगा ऐसा कहते हैं लोग, किसको, अभाव को अधिकरण स्वरूप मानने पर लाघव हो जाएगा, समझ में आया ना। ये अतिरिक्त क्यों मानते हो, ये उनका कहना है, ठीक है। तो इसका क्या दोष दिया, तो अधिकरण तो अनंत है, हाँ तो घटत्व आवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव जो घटा भाव वो तो एक ही है, वो तो यहाँ पर भी है, वो सर्वत्र रहेगा, कौन, हाँ अभाव घटा भाव है ना, है कि नहीं। और उसको जो अधिकरण स्वरूप मानेंगे तो अधिकरण तो बहुत है, तो गौरव दोष होगा ना, ऐसा मानते हो लोग, फिर अनंत तुम्हारे अनुसार अनंत हो जाएगा, गौरव दोष हो जाएगा, समझ में ना। हाँ इसलिए अतिरिक्त मानना चाहिए, कौन कह रहा है, नहीं है, हाँ अभाव को यदि अतिरिक्त मानेंगे तो लाघव होगा, और अभाव को अधिकरण स्वरूप मानेंगे तो गौरव है ना, क्योंकि अनंत अधिकरण स्वरूप हो जाएगा ना, अभाव क्या होगा, अनंत अधिकरण स्वरूप होगा, ऐसा समझ में ना, ठीक है। इसलिए अनंत अधिकरणात्मक की कल्पना करने की अपेक्षा से अतिरिक्त हैं तो अतिरिक्त मान लेना ये लाघव हो रहा है ना। ये कहाँ पर, अनंत अधिकरणात्मकत्व कल्पना अपेक्षा या अतिरिक्तत्व कल्पना या एव
लघियस्त्वात्, ये कौन कहा? सिद्धांति ने कह दिया, सिद्धांति ने कह दिया, ठीक है ना। और देखो, यदि अभाव को अधिकरण स्वरूप मानेंगे, हाँ अभाव तो अधिकरणात्मक हो जाएगा, तब तो अभेद हो जाएगा ना, किसमें? अभाव और अधिकरण में क्या हो जाएगा? अभेद हो जाएगा, है ना। जैसे भूतले घटो नास्ती, घटाभाव का अधिकरण क्या होगा? भूतल स्वरूप हो गया। हाँ, यदि अभेद हो जाएगा तो आधार अधेय भाव बनेगा नहीं बन पाएगा। हाँ, समझ में कि नहीं है? ठीक है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर एवं च आधाराधेय भाव अपनी उपपद्धति बोल दिया। क्या समझ में? सिद्धांति बोल रहा है, अभाव को यदि अधिकरण स्वरूप मानेंगे तो आधाराधेय भाव उपपत्ति नहीं हो पाएगी। अधिकरण स्वरूप मानेंगे तो, मानेंगे तो आधार कौन होगा, अधेय कौन होगा? हाँ, प्रतीति हो रही कि नहीं? भूतले घटो नास्ते, तो भूतल तो अधिकरण है नहीं, ये कह रहे हैं यहाँ पर। हो गया भाई? अच्छा, एवं च आधार अधेय भापी, हाँ क्या कह दिया? एवं च का अर्थ क्या हुआ? अधिकरण की अपेक्षा से अभाव को अतिरिक्त मानने से एवं च का अर्थ होगा नहीं। कहाँ पर एवं चाया? एवं च आधार अधेय भाव अपनी उपपद्यते। ये जो एवं च, एवं च का अर्थ क्या है? अधिकरण की अपेक्षा से अभाव को अतिरिक्त मानने पर, ये एवं का अर्थ है। ठीक है, एवं अचेतन जी हैं। अच्छा, और बोलते हैं कि आगे भी एक एवं च आ रहा है, हैं देखो कहाँ पर, कहाँ पर आया है? हमें बताया ना आपको, एवं च का अर्थ, एवं च का अर्थ अभाव को अधिकरण की अपेक्षा से अतिरिक्त पदार्थ मानने पर, एवं च का अर्थ सिद्धांति बोल रहा ना, ये मानने पर आधे आधे भाव हो जाएगा, उपपन्न होगा, ये बोल रहे हैं। आ गया पंक्ति समझ में? ऐसा बोलते हैं। देखो, इसके ऊपर कुछ विचार है कि अधिकरण स्वरूप मानने पर, है ना, अधिकरण स्वरूप मानने पर आधेय भाव नहीं बनेगा अभाव को, अपने कहा ना, अभाव को अधिकरण स्वरूप मानने पर क्या नहीं बन पाएगा? आधार आधेय भाव नहीं बन पाएगा। हाँ, यदि ऐसा, इसलिए अतिरिक्त मानना चाहिए, इसलिए क्या अतिरिक्त मानना चाहिए? किसको? अभाव। किससे? अधिकरण से। इतना है समय में? हाँ, देखो भूतल में घटाभाव है, भूतल में घटाभाव है, समझ में ना, भूतल में घटाभाव है, इतना आया। अच्छा, घट अन्यत्र है, अथवा मान लीजिए भूतल में घट है, क्या है? भूतल में घट है, भूतल में घट है ना, भूतल में घट रख दिया, समझ में कि नहीं? ठीक है, अच्छा ये बात तो समझ में आ गया। हाँ, जहाँ पर भूतल में घट नहीं है, भूतल में घट नहीं है, ठीक है, तो घट कहाँ पर है? अन्यत्र कहीं भूतल में, समझ में कि नहीं? ठीक है, अच्छा भूतल में घट है, घटाभाव में घट है, क्या कह रहे हैं बोले? घटाभाव में घट है क्या? घटाभाव में पट रहेगा? अभाव में पट रहेगा? घटाभाव में घट, घटाभाव में पट कहाँ से रहेगा? क्या मैं पूछ रहा है क्या घटा भाव में पट है क्या? पट तो अपने अधिकरण में रहेगा, घटा भाव में पट रहेगा? बोले ना हाँ कि नहीं? बोले तो घटा भाव में पटा भाव मिला,
मिला ना, पॉट नहीं तो क्या है, पॉट अभाव नहीं क्या? कितना क्यों सोच रहे हैं आप? हाँ, घटाभाव में घट है क्या, अतः पट है क्या? बोले ना हाँ कि नहीं, दोनों में से एक होगा ना। घटाभाव में हाँ है, कहाँ पट है? पट तो अपना अधिकरण में रहेगा, घटाभाव में कैसे रहेगा? हाँ तो पट नहीं तो क्या है फिर, बोलिए क्या है? पटाभाव है ना। ऐसे पटाभाव को क्या बोलेंगे? अभाव, अधिकरण का अभाव कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे हाँ? क्या कहेंगे? अभाव, अधिकरण का अभाव हाँ, कहेंगे नहीं कहेंगे? अभाव अधिकरण जस्य अभावस्य अभावस्य स्वभाव, अभाव अधिकरण अभाव कहेंगे। जैसे भूतल में घटाभाव है, घटाभाव को क्या बोलेंगे? भूतल अधिकरण का घटाभाव नहीं कहेंगे? भूतलम अधिकरण जैसे अभाव से तत् भूतल अधिकरण अभाव हुआ। भूतल में जो घटाभाव है उसको क्या बोलेंगे? भूतल अधिकरण का अभाव घटाभाव हुआ। अच्छा, घटाभाव में जो घटाभाव को होता है पटाभाव को हो, पटाभाव ले लो है कि नहीं, उसका अधिकरण कौन हुआ? घटाभाव हुआ कि नहीं हुआ? घटाभाव में तो पट रहेगा नहीं, तो घटा हाँ पटाभाव का अधिकरण क्या हुआ? घटाभाव नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? उस पटाभाव को क्या बोलेंगे? अभाव अधिकरण अभाव कहेंगे। आप समझ में आ गया नहीं? तो लेकिन ये तार्किक लोग जो है ना उसको अभाव स्वरूप ही मानते हैं। क्या मानते हैं? घटाभाव स्वरूप ही मानते हैं लोग। हाँ, क्या समझे? घटाभाव अधिकरण जो अभाव होगा उसको घटाभाव स्वरूप ही मानते हैं लोग। आप समझ में? हाँ, ये नया सिद्धांत है। नया सिद्धांत का तार्किक लोग यही मानते हैं, उसको अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते हैं। यदि अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना तो अभाव स्वरूप माना कि नहीं माना? किसको? मीमांसक पकड़ेगा ना क्या? मीमांसक नहीं पकड़ेगा? मीमांसक पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? आपने क्या कहा मीमांसक के प्रति? अभाव को अतिरिक्त माना। अधिकरण सभी तो मानेंगे तो क्या नहीं बन पाएगा? अभाव को अधिकरण स्वरूप मानेंगे तो क्या नहीं बन पाएगा? बोलिए, आधार आधे अभाव नहीं बनेगा, हो गया ना? ठीक है, इसलिए आपने अतिरिक्त माना, माना कि नहीं माना? ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, अब बोलते यहाँ पर से तुम कैसे फिर अतिरिक्त क्यों नहीं मानते हो? किसको? पटाभाव को। क्या पटाभाव को घटाभाव स्वरूप कैसे मानते हो फिर? अब वो मीमांसक दोष दिखाएगा, मीमांसक दोष दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? हाँ, पटाभाव को जैसे आप घटाभाव स्वरूप माना है कि नहीं, मान करके अब आधे आधे भाव कहा, कहा कि नहीं कहा? किसको? पटाभाव को आधार रूप से, हाँ घटाभाव स्वरूप मान करके फिर भी आधार आधे भाव मानते हो आप। इसी प्रकार से यहाँ पर क्यों नहीं मानते हो? यहाँ पर मान लो, कहाँ पर? भूतले घटो नास्ती में। इस बार घटा भाव को क्या मान लो? अधिकरण स्वरूप मानो, और दोनों में आधार आधे भाव मान लो। अधिकरण स्वरूप मानते हुए भी ये दोष नहीं देगा कौन? मीमांसु लोग दे सकता है कि नहीं समझ में? तो ऐसी जिज्ञासा होने पर ये दोष देता है कौन? तार्किक। कौन देता है? तार्किक। कहाँ से देता है? देखो, एवं च से यहाँ पर ले रहा है, है ना? ये दूसरांतर दे रहा है कौन? सिद्धांत दे रहा है, दूसरांतर दूसरा दोष दे रहा है। कैसे? देखो, एवं च तत्त शब्द रसगंधादि अभावानाम प्रत्यक्षत्वम अपि उपपद्यते। देखो, प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा बोल रहा है। क्या कह रहा है? हैं, यदि अभाव को यदि अधिकरण से अतिरिक्त नहीं मानोगे आप, समझ में ना? क्या अधिकरण से अतिरिक्त नहीं मानेंगे तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। क्या अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा? कैसे? देख लो, देखो शब्द है ना, शब्द 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 का प्रत्यक्ष किससे हो रहा है? शब्द का प्रत्यक्ष हाँ श्रोत्रेंद्र से होगा। ठीक है, अच्छा, शब्द का अभाव
कहाँ पर रहेगा? बोले शब्द का अभाव कहाँ पर रहेगा? शब्द का अभाव रहेगा वायु में, नहीं रहेगा? वायु में रहेगा ना? रहेगा। यदि शब्द का अभाव को वायु स्वरूप मान लिया आपने, अधिकरण स्वरूप मान लिया ना, वायु शब्दो नास्ते, तो शब्दो नास्ते शब्द अभाव का अधिकरण क्या हुआ? वायु। और शब्द अभाव वायु स्वरूप हुआ, हुआ वायु स्वरूप, तो फिर वायु का प्रत्यक्ष होगा स्वतंत्र इंद्रिय से क्या? नहीं हो पाएगा फिर। स्पर्श की बात नहीं कह रहा हूँ, पहले लेकिन सब स्पर्श भी होगा, वहाँ पर भी हो जाएगा श्रोतेन्द्रिय है ना। शब्द का प्रत्यक्ष श्रोतेन्द्रिय से और अभाव का प्रत्यक्ष भी श्रोतेन्द्रिय से होगा। यदि शब्दाभाव को यदि आपने अधिकरण स्वरूप मान लिया, वायु शब्द नास्ते, शब्दाभाव क्या स्वरूप हुआ फिर? वायु स्वरूप हो गया, तब तो वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा श्रोतेन्द्रिय से, तो होता नहीं है, इसलिए शब्दाभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। आगे कि नहीं आगे? आगे ठीक है। इसी पर अगर अन्य अन्य भी लोग जैसे रस है, मान लीजिए रस का प्रत्यक्ष किससे होता है? रसेंद्रिय से। हाँ, और रसाभाव का भी प्रत्यक्ष रसेंद्रिय से होगा, तो रसाभाव कहाँ पर है? वायु में ले लो, वायु में तेज में जहाँ पर हो, तो वहाँ पर, हाँ वहाँ पर भी जो है रसाभाव है, रसाभाव क्या हो गया? वायु स्वरूप नहीं, तो वायु का फिर वायु का प्रत्यक्ष तो होगा नहीं रसेंद्रिय से, तो रसाभाव का ही प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। सर्वत्र ले लीजिए सर, है ना, लेकिन प्रत्यक्ष तो होता है, हो रहा है ना? आए कि नहीं समझ में? ये बोल रहे देखो, तत्त शब्द रस गंधादि अभावानाम प्रत्यक्षत्वम अपि उपपद्यते। प्रत्यक्ष भी हो पाएगा यदि अभाव को अधिकरण से भिन्न मानेंगे। अपि कहने से क्या हुआ? आधार आदि अभाव भी बन जाएगा और अभाव का प्रत्यक्ष भी हो जाएगा, इसलिए अपि कह दिया है ना। प्रत्यक्षत्वम अपि उपपद्यते, हो गया ना। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, मतलब अभाव को अधिकरण स्वरूप यदि माना जाएगा, तो अन्यथा का अर्थ ये होगा, अभाव यदि अधिकरणात्मक यदि कहा जाएगा, ये अन्यथा का अर्थ ठीक है। तो तत्त अधिकरणानाम तत्त इंद्रिय इंद्रिया ग्राह्यत्वात् हैं, तो प्रत्यक्षत्वम न स्यात्, तो ये भी हो जाएगा है ना। तो तत्त अधिकरणानाम तत्त इंद्रिय अग्राह्यत्वात्, वो जो अभाव का अधिकरण है कि नहीं है, अभाव का जो अधिकरण है वो तो इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है क्या? इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, सुनते हुए जैसे मान लीजिए रसाभाव है, हैं? तो रसाभाव जो है ना, रसाभाव का अधिकरण कौन हो गया? वायु। रसाभाव का अधिकरण वायु हो गया, वायु का इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा, सुनते हैं ना। चलो आकाश ले लो, आकाश आकाश में रस का अभाव है कि नहीं है? उसका किस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है? इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता ही नहीं है कि नहीं समझ में? इसलिए तत्त अधिकरण कहने से अभाव का जो अधिकरण है, अभाव का जो अधिकरण है वो तो इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। उस इंद्रिय से जिस अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है इंद्रिय से, उस अभाव का जो अधिकरण है, उस अधिकरण का प्रत्यक्ष तो इंद्रिय से नहीं होगा, इंद्र ग्राह्य नहीं है, इसलिए प्रत्यक्षतम न सियात, प्रत्यक्ष तो नहीं हो पाएगा। आ गया समझ में? आ गया। अच्छा एते ना, हाँ इसलिए इससे क्या हुआ? एतना का मतलब आगे जो जो देंगे, यहाँ पर दोष नहीं दिया है। एते ना कहने से बक्षमाण दोष है ना, आगे दोष दिया जाएगा। एतेना ज्ञान विशेष काल विशेषादि आत्मकत्वम अपि नहीं है, अत्यंत भावस्य इति प्रत्युक्तम है। हाँ तो अप्रत्यक्षत्व आपत्ति ये कह दिया, क्योंकि देखो कुछ लोग मानते हैं ना,
विज्ञानवादी लोग, विज्ञानवादी लोग मानते हैं कि विषय को ज्ञान से अतिरिक्त मानता ही नहीं हो ना, घट विषय से ना घट अतिरिक्त है ज्ञान से, ना घट का अभाव अतिरिक्त है, दोनों ज्ञान स्वरूप है। घट भी ज्ञान से भिन्न नहीं है, समझ में ना, और घट का अभाव भी ज्ञान से भिन्न नहीं है। आ गया? हाँ, सपनों का लड्डू, लड्डू भी ज्ञान से भिन्न नहीं है, लड्डू का अभाव भी ज्ञान से भिन्न नहीं है, बस ज्ञान ही ज्ञान है, विषय को मानते नहीं है, है ना। मतलब है ना, जिस समय ज्ञान हो रहा है नास्तिक के रूप से, वो ज्ञान ही उसका स्वरूप है, किसका, अभाव का। जैसे हो रहा है ना, भूतले घटो नास्ति, ज्ञान हो रहा है कि नहीं, कि ज्ञान से घटाभाव कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, ये बोलता है ना। जिस ज्ञान काल, जिस ज्ञान में हाँ ये भास रहा है, अभाव के रूप से भास रहा है, उससे अभाव कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। आ गया? ये अभाव क्या हुआ, ज्ञान स्वरूप हो गया, ये बोलते हैं, ठीक है। और ये ज्ञान विशेष हो गया ना। और क्या मानते हैं कुछ लोग, ये मीमांसा के एक देशी लोग, काल विशेष मानते हैं। मतलब जिस काल में ऐसी प्रतीति हो रही है, किस काल में, मतलब यह भूतले घटो नास्ति, मतलब इदानीम ले लो, इदानीम घटो नास्ति, हाँ, तो जिस काल में जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने क्या हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है ऐसा, हेलो, हाँ क्या हो रहा है, चलो सुना दे रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। चलो, काल विशेष मानते हैं अभाव को मीमांसक लोग, काल स्वरूप ही माना जाएगा, जिस काल में है नास्तिक के रूप से प्रतीति हो रही है, हाँ वो जो काल ही अभाव का स्वरूप है। आगे इदानीम घटो नास्ति, तो काल विशेष है कि नहीं, कोई ने काल तो रहेगा, उस काल से अतिरिक्त नहीं है अभाव, ऐसा मानते हैं कौन, मीमांसा के एक देशी ऐसे मानते हैं, समझ में आया ना। हाँ, यदि ऐसा कहोगे कौन, अत्यंत अभाव से कह दिया, अत्यंत अभाव जो है ज्ञान विशेष कह लो अथवा काल विशेष कह लो, बोलते हैं एतेन प्रत्युक्तम, हैं ऐसा व्याख्यान से क्या अतिरिक्त यदि नहीं मानोगे आप, है ना। जैसे यहाँ पर अभाव को लिया ना, अभाव को यदि अधिकरण से अतिरिक्त नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। आ गया? ठीक इसी प्रकार से ज्ञान विशेष से अतिरिक्त नहीं मानेंगे, काल विशेष से अतिरिक्त नहीं मानेंगे अभाव को, तो तब तो अप्रत्यक्षत्व आपत्ति, प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। हाँ क्यों, देखो हैं अभाव ज्ञान स्वरूप हुआ कि नहीं, ठीक है, तो घट का प्रत्यक्ष होता है, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है, ज्ञान का प्रत्यक्ष तो मन से होगा नहीं, क्या ज्ञान का प्रत्यक्ष मन से तो होगा नहीं, सुनते कि नहीं, क्या जी, हाँ हाँ वो ज्ञान का विषय होगा, ज्ञान ऐसा मानते वो लोग, है ना, इसलिए ज्ञान का तो प्रत्यक्ष होगा नहीं, ठीक है। हाँ इसलिए ये प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा, यदि अब आपको ज्ञान स्वरूप माना जाएगा तो, इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है क्या ज्ञान का, इंद्रिय से ज्ञान का प्रत्यक्ष तो नहीं होता है, सुनते हो ना। हाँ मानस प्रत्यक्ष मान सकते हैं, क्या है, ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष तो मानते हैं, लेकिन इंद्रिय से प्रत्यक्ष, चौचुरादि से प्रत्यक्ष तो नहीं हो पाएगा, सुनते हैं ना, ऐसा मानते हैं वो लोग, आया समझ में, ऐसा है, इसलिए बोलते हैं। और काल, काल का प्रत्यक्ष तो होता नहीं, क्या काल का तो अनुमान किया जाता है, काल प्रत्यक्ष नहीं होता, अभाव को यदि काल स्वरूप मानेंगे तब भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, ये बोलते हैं, ठीक है। इति अभाव पदार्थ विभाग ग्रंथ है, ये अभाव, अभाव जो पदार्थ था उसका विभाग हो गया पूरा, ठीक है, ऐसा है आपके यहाँ लिखा है,
नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। इति अभाव पदार्थ विभाग ग्रंथ ऐसा दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अभाव का अभाव रूपी जो पदार्थ है उसका विभाग हो गया पूरा भी, ठीक है। अब जो है आगे, जिस कितने पदार्थ है, सात पदार्थ है, तो सात पदार्थ जो है ना, तो परस्पर धर्म वाले तो है ही हो, सबका अलग अलग धर्म है, इसलिए परस्पर धर्मता से युक्त जो सात पदार्थ है, सात पदार्थों का जो परस्पर भेदक है, क्या है, परस्पर भेदक, ठीक है। इसलिए परस्पर भेदक धर्म को यहाँ पर कहा जा रहा है, किस धर्म को, परस्पर भेदक धर्म हो जाएगा। साधर्म कहेंगे तो बेधर्म क्या हो जाएगा, साधर्म जब कहेंगे उससे विपरीत क्या होगा, बेधर्म। बेधर्म क्या हो जाएगा, बेधर्म इसका भेदक हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, आगे बताएंगे देखो। हाँ इसलिए बोलते हैं यहाँ पर इदानीम, हाँ श्लोक से पहले देखो, इदानीम क्या लिखा है, आगे पदार्थ नाम बोलिए। इदानीम पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्य वक्तुं उपक्रमः, वैधर्म्य के वैधर्म्यम, वैधर्म्य, अच्छा वैधर्म्य दिया है, हाँ साधर्म्य वैधर्म्य च ऐसा दिया है, साधर्म्य वैधर्म्य समाप्त कर दिया, अच्छा 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 और द्विवचन कर दिया, हाँ द्वितीय द्विवचन, साधर्म्य वैधर्म्य ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, द्वितीय द्विवचन कोई बात नहीं। और यहाँ पर दिया है साधर्म्यम वैधर्म्यम च वक्तुम, कोई बात नहीं चलेगा, साधर्म्यम वैधर्म्यम च वक्तुम ले दिया, हाँ एक दिया तुम्हारे पुस्तक में है, हाँ तो अच्छा है, फिर विग्रह विग्रह बता दिया और वो किन्ना वाली में मतलब वो ये समास करके दिया है, साधर्म्या वैधर्म्ये, हाँ ऐसा कर लो, अथवा साधर्म्यम वैधर्म्यम जो, कोई बात नहीं है कि नहीं। सात पदार्थों में जो साधर्म्य है और जो वैधर्म्य है उसका कहने के लिए प्रारंभ करते हैं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। सप्तानाम अपि साधर्म्यम ज्ञेयत्वादिकम् उच्यते, हाँ ये 13 नंबर का आधा पूर्वार्ध तो हो गया, पूर्वार्ध तो हो गया, क्या हुआ पूर्वार्ध, एवं त्रैविध्यम मापन्न संसर्गाभाव इष्यते, ये 13वां श्लोक का पूर्वार्ध है। और उत्तरार्ध में साधर्म वैधर्म को कहा जाता है, ठीक है। तो साधर्म्य सात पदार्थों का जो साधर्म है वो कौन है, ज्ञेयत्वादिकम उच्यते, ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय, ज्ञेयत्व रहेगा सभी में, हाँ आदि से वाच्यत्व अभिधेयत्व प्रमेयत्व ये सब ले लो जो सात पदार्थ में रहेगा, ठीक है। महादेव देखो कैसे साधर्म्य बता दिया, साधर्म्य क्या है, अच्छा यहाँ पर जो इदानीम था ना, इदानीम का अर्थ है क्या, अभी मतलब, अभी मतलब किसके अनंतर, पदार्थ के निरूपण के अनंतर, ऐसा करना चाहिए। सात पदार्थ का निरूपण हो गया कि नहीं, इदानीम का अर्थ वर्तमान है, मतलब किसके अनंतर हुआ, वर्तमान कहने से क्या हुआ, पूर्व की अपेक्षा नहीं करेगा, वर्तमान किसकी अपेक्षा करता है, अतीत की अपेक्षा करता है, फिर अतीत में क्या हुआ, हैं हाँ सात पदार्थों का निरूपण, ले सप्त पदार्थ निरूपण अनंतरम, ऐसा कर देना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए, क्योंकि अच्छा पहले साधर्म्य का क्यों नहीं कहा, अरे पदार्थ का जब निरूपण नहीं करोगे तो धर्म का क्या निरूपण करोगे पहले किसका होता है, धर्मी का होता है, उसके बाद धर्म का होता है, ठीक है ना, क्योंकि पदार्थ में घटित कौन, पदार्थ में घटित धर्म होता है साधर्म्य, इसलिए पहले पदार्थ का निरूपण किया, और पदार्थ में जो घटित धर्म है, हाँ समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। चलिए
हाँ, समानो धर्मो ये शाम ते सधर्माण। हाँ देखो लिख दिया, क्या समास हुआ? बहुव्रीही हुआ। समानो धर्मो ये शाम ते सधर्माण, नहीं हाँ, समान को क्या स आदेश होता है ना, तो बन जाएगा सधर्मन है, सधर्मन होगा, धर्मन। क्या प्रत्यय दे सामने? अनिच है, कहाँ चला गया? हेलो, अरे सामदेव क्या अनिच प्रत्यय होता है ना? क्या अरे सधर्मन में सधर्माण हुआ ना, हाँ जी, अनिच होता है ना समासांत। हाँ हाँ, अनिच प्रत्यय होगा, सधर्मन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सधर्मन, नहीं हाँ। और प्रथम बहुवचन में क्या बनेगा? सधर्माण। हाँ सुनते हो, समास जब करेंगे तो अनिच होता है, समास जब नहीं करेंगे तो क्या शब्द होता है? धर्म होता है। सुनते हो है ना श्यामदेव? तो, हाँ, इसे अनिच होने पर सधर्मन हो जाएगा, और प्रथम बहुवचन में क्या बनेगा? सधर्माण। हाँ सुनते हो भाई? हाँ, तेषाम भाव क्या शब्द बन जाएगा? साधर्म्यम। क्या प्रत्यय हुआ? सही सही है, हाँ, ना सही होता ना। क्या सूत्र है कामदेव? हाँ, गुणवचन ब्राह्मण दिव्यो कर्मणि कर्मणि च। हाँ, यहाँ पर भाव अर्थ में सही हो गया। हाँ तो सही हो जाएगा, वो तो क्या बन जाएगा? साधर्म्यम नपुंसक में। हाँ ठीक है, मतलब क्या तात्पर्य हुआ? समान है, क्या लिखा है? समानो धर्म फलितो अर्थ, समान धर्म। साधर्म का अर्थ क्या हो गया? समान धर्म। ठीक है, इसे उल्टा कर दो, एवं विरुद्धो धर्मो ये शाम ते विरुद्ध हाँ विधर्माण। हाँ हो जाएगा ना, यहाँ पर भी अनिच प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तेषाम भावो वैधर्म्यम है ना, तेषाम के साम विधर्माणम है, उसका भाव को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? वैधर्म्यम मतलब विरुद्धो धर्मो इति फलितो अर्थ, ऐसा दिया है पाठ ना, मतलब विरुद्ध धर्म, क्या धर्म? विरुद्ध धर्म को कहा जाएगा वैधर्म्य, है कि नहीं? इसलिए सात पदार्थों के साधर्म को भी कहा जाएगा और वैधर्म को भी कहा जाएगा। साधर्म कहने से उसे विपरीत क्या होगा? वैधर्म नहीं होगा नहीं, जैसे देख लो भाई, क्या कह दिया? गेयत्वादिकम, गेयत्तम मतलब क्या है? गेयत्तम का अर्थ ज्ञान विषय, ज्ञान के विषय को कहेंगे गेय। गेय में क्या प्रत्यय होगा? अचो यत, अचो यत से यत करेंगे तो क्या बनेगा? गेय, क्या बनेगा? हाँ गेय बन जाएगा, समझ में ना? हाँ तो गेय कैसे हुआ? ज्ञान धातु से, हाँ हाँ गेय कैसे बना? हाँ यत हो गया, तो फिर ए कहाँ से आया? गेय होता है ना, गेय, रुको 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 रुको, बताता हूँ रुको। ये है ना, गेय बनता है ना, पेय बनता है, पातुम योग्यम पेयम है ना, आदेच, क्या सूत्र? आदेच उपदेशित, अरे ए कहाँ से आता है? आदेच उपदेशित इत्तो हो जाएगा, हाँ उससे हो जाएगा ना, हाँ हाँ
ई को ए को गुण हो जाएगा तो ए हो जाएगा, है ना, ऐसा होगा ना। हाँ रोको 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 रोको, धातु है ये ज्ञा धातु है ना, ज्ञा धातु से ज्ञा अवबोधन है, ज्ञा धातु से यत किया, यत का य रहा है ना, ऐ ऑटो य से यत हो गया है कि नहीं। तो फिर जो है इद्यति है ना सूत्र, हाँ इद्यति से वो लाओ तो पुस्तक लाओ, लघु 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 उसके नीचे, उसके नीचे लाओ तो देखो लाओ, कृदंत में है ना ये, हाँ कृदंत है ना, एक मिनट देखो, कृदंत है ओचो यत है ना, हाँ इद्यति तो ही तो है और क्या है, इद्यति ही सूत्र है, इद्यति से हाँ आ को ही हो जाएगा सीधा सीधा, हाँ ठीक है वही सूत्र है, इद्यति ही सूत्र है, आदे चक की जरूरत नहीं ना, आदे चक आदे चक स्थिति काहे को लगेगा, लोग को जरूरत नहीं, इद्यति हो गया है ना, हाँ जैसे ग्लेयम देयम बनता ना कि नहीं, हाँ दा धातु से देय बन जाएगा, पा से पेयम बन जाता है, आकारांत धातु है ना, आकारांत धातु है ना, योग एक गुण हो गया, गुण होने पर ए हो गया सीधा सीधा, ठीक है चलो। अच्छा भाई ये आगे बढ़ते हैं, चलो कहाँ चला गया, हाँ गेय गेय ज्ञान का अर्थ हो गया, हाँ ज्ञान विषय है कि नहीं, हाँ यहाँ पर ज्ञान विषय और तो लगा दिया तो ज्ञान विषयता, ज्ञेयत्व का अर्थ ज्ञान विषयता। अब बोलते ज्ञान का विषय जहाँ रहेगा उसको कहेंगे ज्ञान विषयता, ज्ञान का जो विषय होगा उसमें क्या धर्म रहेगा, ज्ञान विषयत्व, मतलब ज्ञान विषयत्व मतलब किसका ज्ञान, आप जानते हैं सबको नहीं जानते हैं, सात पदार्थों को दुनिया में कितने पदार्थ हैं, कहाँ ज्ञान है हमको नहीं है, तो ज्ञान विषयत्व उसमें कैसे रहेगा, ज्ञेयत्व का अर्थ क्या हो गया ज्ञान विषयत्व, हाँ तो हमारे ज्ञान का विषय तो है ही नहीं तो उसमें ज्ञेयत्व कैसे रहेगा, ईश्वर का ज्ञान क्या चलना चाहिए ये बोल देखो, साच सर्वत्र एव अस्ति, सा कहने से ज्ञान विषयता सर्वत्र है, लेकिन हमारे ज्ञान की विषयता तो है ही नहीं है, ईश्वर ज्ञान विषयता यह, ये ईश्वर ज्ञान विषयता ये लेना है ज्ञान तो का अर्थ है, हाँ इसलिए ज्ञेयत्व केवलानयत्वात्, केवलानयत्व हो जाएगा ना, सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलानयत्वम हो जाएगा, है केवलानय किसको बोलते हैं नहीं मालूम है, सर्वत्र विद्यमानत्वम, सर्वत्र विद्यमानत्वम है कि नहीं, ज्ञेयत्व सर्वत्र है कि नहीं विद्यमान, बोलो हाँ, ये ज्ञेयत्व अभिधेयत्व वाच्यत्व प्रमेयत्व ये सब होते हैं क्या, केवलान्वय पदार्थ, क्योंकि सर्वत्र रहेगा कि नहीं, कौन सा पदार्थ में ज्ञेयत्व नहीं है, ईश्वर ज्ञान विषयत्व कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, तो सर्वत्र है तो है केवलान्वय हो गया, सर्वत्र विद्यमान हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है चलो। ईश्वर में रहेगा, वेदांत थोड़ी चल रहा है, ईश्वर अपने आप को नहीं जानेंगे क्या, तो अज्ञानी है क्या ईश्वर, अपने आप को नहीं जानेगा तो क्या होगा, अज्ञानी नहीं होगा तो ईश्वर अपने आप को जानेगा तो जानेगा तो क्या रहेगा बताओ, ईश्वर ज्ञान विषयत्व रहेगा, तो क्या आपत्ति है, जो अपने को नहीं जानेगा तो क्या संसार का क्या करेगा सर्वत्र रहेगा भैया सविशेष न मानते हैं, निर्विशेष थोड़ी मानते हैं हो गया अच्छा उसके बाद क्या है देख लो, उसके बाद है भाई
द्रव्यादय पंच भावा क्या है, दिया है कुछ? अच्छा हमारे यहाँ ध्यान है, अच्छा ऐसा दिया है, अच्छा अच्छा ठीक, हाँ दिया दिया दिया, एवं अविधेयत्व प्रमेयत्वादिकम बोध्यम। इसी प्रकार से अविधेयत्व का अर्थ क्या होता है, अविधातुम योग्यम इति अविधेयत्वम, अविधेय अविधा मतलब वाणी, वाणी का जो विषय होगा उसको भी क्या कहेंगे, अविधेय अविधेयत्वम मतलब अविधा विषयत्वम, ठीक है ना, क्या है अविधा विषयत्वम, ठीक है अविधा विषयत्वम, ये भी हो जाएगा, ये भी सर्वत्र रहेगा सात पदार्थ में, और प्रमेयत्व भी सात पदार्थ में होगा, है कि नहीं, ऐसा ले लो, ठीक है, इसका भी परिग्रहण कर लेना चाहिए, हो गया, बोध्यम जानना चाहिए, हो गया भाई। उसके बाद क्या है, देखो द्रव्यादय पंच भावानेके समवायिनः सत्तावन्तस्त्रयस्तद्या गुणादिर्निर्गुणाक्रियः। वो कहते हैं कि देख लो द्रव्यादि पांच कितने हैं, पांच कौन कौन है बताइए, द्रव्यादय पंच बोल दिया ना, कौन कौन, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, पांच हो गए हैं, हाँ ये पांच का जो है साधर में क्या होगा, बोलते हैं कि भावा अनेके, ऐसा लगाओ मतलब क्या, भावत्व सति अनेकत्वम, ऐसा लगाना है, अनेकत्व सति भावत्वम कह लो अथवा भावत्व सति अनेकत्वम कह लो, सुनते हैं ना, हाँ ऐसा हो जाए, हैं पांचों का नहीं रहेगा, पांचों में क्या रहेगा बताओ, भावत्व भी रहेगा और अनेकत्व भी रहेगा, है कि नहीं, द्रव्य अनेक है क्या, भाव भी है और अनेक भी है, गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य भी है और कौन विशेष भी तो है, रहेगा ना, भावत स्वति अनेकत्व हो जाएगा, होगा ना, लेकिन इतना मैं रखता हूँ आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य अडियोस अमिगो पावरिंग ऑन पूर्णम शिष्यते। ओम शांति शांति शांति, नारायण।